ओम अक्षयर मा दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या ओम शांति। विकासोन्मुखी नूतन चिंतन और दृढ़ इच्छा के धनी हम सब के प्रेरणा स्रोत भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अहर्निश सक्रिय भारत के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री भारत, माननीय मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिक, इस आयोजन में प्रत्यक्ष और आभासी रूप से जुड़े हुए मेरे लाखों लाख किसान भाइयों और बहनों, अभी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम से हम सब के प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के समस्त देश के लोगों से भारत के उत्थान और कल्याण के लिए 3 चीजें मांगी थी। आप हम सबको स्मरण होगा, उनमें प्रथम स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत। भाइयों और बहनों, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को समस्त भारत के किसानों की ओर से बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि वो सदैव किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने दी हैं, जिनका वर्णन आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय ने, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जी ने अभी विस्तार से हमारे बीच में रखा है। आज हम सब ने संकल्प लेना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक खेती का हम सब के सामने विचार दिया, उसके सृजन की दिशा में भारत का समस्त वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और किसान बंधु मिलकर भावी भारत के निर्माण में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्प के साथ आज आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, मैं स्वयं एक शिक्षक रहा और उसके साथ में किसान हूं। मैंने बचपन में अपने हाथ से हल भी चलाया है, पशुपालन भी किया है, अपने हाथ से खेती करने का मुझे शौक उस समय भी था और आज भी उतना ही बराबर है। आपकी जानकारी के लिए आज मैं वो अनुभव साझा करना चाहता हूं जो लाखों लाखों भारत के किसान इससे लाभ उठा पाए। जो नियम मेरी खेती में है वो भारत देश के हर किसान के भी खेत में है। भाइयों और बहनों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में 35 वर्ष प्रधानाचार्य रहते हुए 1,500 बच्चे आवासीय रूप से वहां पढ़ते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था हमारे गुरुकुल के 200 एकड़ के फार्म में की जाती है। मैं उसमें 90 एकड़ जमीन में स्वयं खेती कराकर उन बालकों के भोजन, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी की व्यवस्था कराता था। बाकी जो जमीन थी वो मैंने ठेके पर, लीज पर, भाड़े पर अन्य किसानों को दी हुई थी। एक दिन एक घटना घटी, खेत से मुझे सूचना आई कि आज खेत का अमुक कर्मचारी कीटनाशक का स्प्रे कर रहा था,
गर्मी के दिन थे, वो उसके सिर में चढ़ गया और बेहोश होकर खेत में गिर गया। हम अस्पताल में लेके आए, दो तीन दिन बाद वो सामान्य हो पाया। और आप सब किसान इस बात को जानते हैं कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन मेरे मन में एक विचार उस दिन आया कि मैं जिन बालकों को ये भोजन खिलाता हूं उनको तो साक्षात रूप से गेहूं चावल दाल सब्जी में कीटनाशक छिड़कवाता हूं, ये कर्मचारी तो उसकी गंध मात्र से बेहोश हो गया। जो कीटनाशक भोजन में डाल करके मासूम बच्चों को मैं दे रहा हूं तो मैं ये अपराध कर रहा हूं। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया अब मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं कृषि वैज्ञानिकों से मिला, कृषि विभाग के लोगों से मिला और उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसका विकल्प जैविक खेती के रूप में कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। मैंने तुरंत पिट बनाई, उनमें गोबर की खाद डाली, जो केचुआ गोबर खाता आयात किया जाता वो डाला और पूरी विधि से मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। पहले साल 5 एकड़ में मैंने काम किया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, कीट पतंग सारा खा गए। अगले साल भी मैंने उस काम को नहीं छोड़ा, लगभग 50% मेरे को मिल पाया। तीसरे साल फिर मैंने उसको चलाया, पूरी मेहनत करके लगभग 80% में उसमें कुछ ले पाया। अब मैंने विचार किया कि मेरे पास तो यहां 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास 2-3 एकड़ ही जमीन है और वो इस ऑर्गेनिक खेती को करेगा और 3 साल यूं घाटा होगा तो उसके बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा। इसमें मेरा खर्चा भी कम नहीं हुआ, मेहनत भी कम नहीं हुई, उत्पादन भी कम हो गया। इस चिंता में मैं बैठा था कि मैं वापस रासायनिक की ओर जाऊं, ये तो चलाई जा नहीं सकती। इसी बीच में मेरा परिचय सुभाष पालेकर जी से हुआ, जो प्राकृतिक खेती पर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जब मैंने उनको अपने गुरुकुल में बुलाया और 500 किसान इकट्ठे किए, 5 दिन का शिविर लगाया, उसमें स्वयं बैठ करके मैंने प्राकृतिक कृषि की समस्त जानकारियों को जाना और अगले 5 एकड़ खेत लेके मैंने उसमें प्राकृतिक खेती उस विधि से शुरू की। मुझे बड़ा सुखद अनुभव मिला कि पहले ही वर्ष मैं लगभग उतना ले पाया जितना मैं रासायनिक खेती में करता था और अगले वर्ष उससे भी और अच्छा मेरा अनुभव रहा। फिर मैंने 10 एकड़ में वो खेती शुरू की, उसमें भी ठीक रहा। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी और मेरा उत्पादन जितना रासायनिक खेती में होता था उतना हो गया और इस समय मेरा उत्पादन रासायनिक खेती से भी ज्यादा होना शुरू हो गया। इस बीच में एक घटना और मेरे साथ घटी, जो बाकी मेरे 90-100 एकड़ गुरुकुल की जमीन थी जिसको मैं ठेके लीज पे लोगों को देता था, वो किसान इकट्ठे होके आए और 2017 में जो पिछले 25 साल से खेती को भाड़े पे लेते थे उन्होंने मेरी खेती छोड़ दी और ये कह करके छोड़ दी कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा खर्चा भी नहीं निकलता, हम आपका खेत नहीं लेंगे। मेरी चिंता बढ़ी, मैंने तो उपजाऊ जमीन उनको दी थी और वो कहते हैं इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट थे केवी कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया डॉक्टर हरिओम मेरे मिलने वाले थे, उनको मैंने बात समस्या रखी। उन्होंने कहा जी यूं पता नहीं लगेगा, पूरी मिट्टी के सैंपल लेके लैब में भेजेंगे तब पता लगेगा कि भूमि का क्या स्थिति है। सैकड़ों सैंपल हमने लेके यूनिवर्सिटी में भेज दिए, रिपोर्ट आ गई,
मेरी भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे नीचे आया। अब मैंने कहा, मैं तो साइंटिस्ट नहीं, जिसका मतलब क्या है। डॉक्टर हरिओम ने कहा कि वो किसान जो कह रहे हैं आपकी जमीन बंजर हो गई, अब ये वाकई कुछ पैदा करने की स्थिति में नहीं है। आप विचार करो, संपूर्ण भारत देश के किसानों से मैं निवेदन करता हूं, ये स्थिति क्यों पैदा हुई। उन लोगों ने किराए पे मेरी जमीन ली, उनका उद्देश्य से ज्यादा उत्पादन हो, यूरिया डीएपी कीटनाशक, यूरिया डीएपी कीटनाशक इतना डाला कि उपजाऊ जमीन मैंने दी थी और बंजर मेरे को दे करके चले गए। यही स्थिति पूरे देश की भूमि की हो रही है। कारण कि रासायनिक खेती में यूरिया डीएपी कीटनाशक का प्रयोग, जो जीवाणु जिनकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने की, जो केचुआ अर्थवर्म है, वो तो उसे मर जाते हैं, तो वही तो ऑर्गेनिक कार्बन पैदा करते हैं, तो मेरी जमीन बंजर बना दी। मैंने डॉक्टर हरिओम को कहा अब मैं क्या करूं, उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना फास्फोरस, इतना जिंक, इतना पोटास, पूरी लिस्ट, और इस खेत के कुछ अवशेष इसमें काटोगे, कुछ जिंक डालोगे। धीरे धीरे जितने 20-30 साल में ये बंजर बनी है, ऐसे ही धीरे धीरे उपजाऊ बनेगी। इतना लंबा प्रोजेक्ट, 100 एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जो लिस्ट आपने बनाई इसी से तो ये बंजर हुई है, और आप फिर वही मेरे को बता रहे हैं। तो उन्हें कहा तुम क्या करोगे। मैं कहा जो मैं प्राकृतिक खेती बाकी खेत में करता हूं यही करूंगा। उन्होंने उसका अभी तक जानकारी थी नहीं, उन्होंने कहा इस गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा। मैंने कहा मैं देख लेता हूं, नहीं बनेगा तो फिर आपकी शरण में आऊंगा। और मैंने प्यारे किसान भाइयों, उस 100 एकड़ खेत में 15 अप्रैल 2017 को किसानों ने जमीन छोड़ी, और मैंने 15 जून को उसमें घन जीवामृत 5-5 क्विंटल डाल के, क्योंकि उसमें कुछ भी बचा नहीं था, धान आरोपित किया, हर पानी के साथ जीवामृत दिया, उसी का स्प्रे किया, 2 महीने में धान लहलाने लग गए। और जब कटाई हुई तो मेरे धान 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुए। ये मैंने डॉक्टर हरिओम को दिखाया, वो आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे संभव है, इतना ऑर्गेनिक कार्बन कम जमीन का बंजर, इसमें इतना उत्पादन। वो चले गए, अगली भी खेती हमने उसमें ली। अगले साल फिर हमने इसी तरह से जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करते रहे। अगले साल उसी खेत में 32 क्विंटल एवरेज धान पैदा हुआ। जब 32 क्विंटल धान हुआ, और डॉक्टर हरिओम ने खुद, जो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा भाई ये करिश्मा है, ये समझ की बाहर की बात है, मैंने जो पढ़ाई की है उसमें ऐसा हो नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, अपने साइंटिस्ट लोगों की एक टीम बुलाता हूं और आपकी जमीन की दोबारा मैं टेस्टिंग कराऊंगा। उन्होंने फिर सैकड़ों सैंपल उसी जमीन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजे, रिपोर्ट आई, एक ही साल बाद मेरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.34 से बढ़कर 0.7-0.8 पे चला गया। अब इसको जब उन्होंने रिपोर्ट उनके सामने आई तो वो पहले से भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती में कभी भी इतना ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में बढ़ ही नहीं सकता, दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसे मानेगा नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ये उन्होंने बताया। और मैं भी कहता हूं कि आप मानेंगे नहीं जो रासायनिक के साइंटिस्ट हैं, कारण है उसका। मैंने फिर वही बात कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम खेत में जीवाणु करते हैं, हलसिया
अर्थवर्म केचुआ करता है, मित्र कीट करते हैं। अब रासायनिक में तो वो मार दिए गए तो ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन प्राकृतिक केची में कैसे बढ़े। तो डॉक्टर हरिओम ने अपने साथी लिए डॉक्टर बलजीत सारम, सौभाग्य से आज वो मैंने यहां बुलाए हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। डॉक्टर साहब एक बार सबको दर्शन दे तो अच्छा लगेगा। आप डॉक्टर बलजीत सारन इस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के माइक्रोबायोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर हैं। ये अमेरिका में, इंग्लैंड में और जर्मनी में माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ वर्षों इन्होंने काम किया है। इतने ऊंचे स्तर के ये माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। ये अपनी टीम लेकर के मेरे गुरुकुल में आए और उन्होंने कहा ये तुम्हारा जीवामृत क्या, हम इस पे रिसर्च करेंगे। इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने गाय, देसी गाय का गोबर लिया, भैंस का गोबर लिया, होस्टन फ्रीजन गाय का गोबर लिया, जर्सी का लिया, सब पे अलग अलग रिसर्च किए, महीनों सालों लगाए इन्होंने। अंत में क्या पाया कि केवल और केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, कांकरेज, अंगोल, ये जितनी भी भारतीय गाय हैं, सब में लगभग एक ही क्वालिटी पाई और एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु पाए। और इन्होंने सिद्ध किया कि देसी गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार पाया गया। और पालेकर जी ने अनेक बार ये रिसर्च करवाए और ये पूरे सत्य पाए। अब ये साइंस इसमें क्या है, अक्सर हमारे कृषि वैज्ञानिक बंधु कहते हैं इसमें साइंस क्या है। अब उस साइंस की जानकारी सब किसानों के लिए मैं निवेदन करता हूं। हम जीवामृत बनाते हैं, एक 200 लीटर का ड्रम ले लेते हैं, लगभग 180 लीटर पानी भरते हैं उसमें, उसको छाए में रखते हैं, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 10 किलो देसी गाय का गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र, इन सब को मिला के उस पानी में छोड़ देते हैं। अब आप विचार करिए, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे। और इन जीवाणुओं को दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में खाने को मिलता तो ये बलवान बनते हैं, और गुड़ मिलता तो मल्टीप्लाई ये बढ़ते हैं, और मिट्टी में जो जीवाणु है उनसे मिलकर इनकी इतनी वृद्धि होती है कि ये हर 20 मिनट में डबल होते हैं, हर 20 मिनट में, और 72 घंटे में ये असंख्य मात्रा में बढ़ते हैं। जब हम किसानों को 1 एकड़ का ये खाद तैयार है, आप विचार करो, दुनिया में ऐसा कोई खाद नहीं जो 4-5 दिन में तैयार होता हो। 1 एकड़ का 1 दिन के गोबर गोमूत्र से, गाय से 1 एकड़ का खाद तैयार है। जब ये खेत में फैलता है, खेत के जीवाणुओं से मिलता है, तो इसमें जामुन का काम होता है। ये कल्चर है, ये खाद नहीं है, कल्चर है। और उन जीवाणुओं से मिलकर असंख्य जीवाणु पैदा होते हैं। और भाइयों, यही वो जीवाणु हैं जो आकाश में, वायु में 78% नाइट्रोजन है। ये जीवाणु उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और पौधे का भोजन बना करके देते हैं। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में आप विचार करो, धरती के अंदर अनेक खनिज हैं, उसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, ये सब कुछ धरती मां के अंदर विद्यमान है, लेकिन ये तत्व अपने आप पौधे को भोजन नहीं देते। ये जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु उन तत्वों से भोजन बना करके पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। तो इसका मतलब जितना जीवाणु खेत में होगा उतना ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा,
जितना ऑर्गेनिक कार्बन पड़ेगा जमीन का स्वास्थ्य बढ़ेगा, जितना जमीन का स्वास्थ्य बढ़ेगा उतना आपका उत्पादन बढ़ेगा। सीधा फार्मूला, ये साइंटिफिक है, ये साइंस है, साइंटिस्ट भी इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, जब ये जीवामृत, घन जीवामृत जमीन पर जाता है तो केचुआ, अर्थवर्म, हलसिया जो यूरिया डीएपी से डरता हुआ धरती में समाधि लिए बैठा है, 10-15 फीट नीचे बैठा हुआ डरता हुआ, जब उसको ये भोजन उसका मिलता है, इसकी गंध पाकर के धरती को फोड़ करके वो ऊपर आता है और अपना काम शुरू कर देता है। भारतीय केचुआ गोबर भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, काष्ट भी खाता है। विदेशी केचुआ जो ऑर्गेनिक में प्रयोग करते हैं वो मिट्टी खाता नहीं, केवल गोबर काष्ट खाता है। 16 डिग्री नीचे टेम्परेचर में मर जाता, 28 में जिंदा रहता नहीं। भारतीय केचुआ बर्फीली पहाड़ियों में भी काम करता है और रेगिस्तान में भी बराबर काम करता है। ये भगवान की एक व्यवस्था है। अब ये केचुआ कैसे काम करता है, ये धरती में यूं सीधा जाता 8-10 फीट तक और दूसरे छेद से आता, इससे जाता, इससे आता है। जब ये जाता तो वर्मी वो सपने पसीने से छेद को लीपते हुए जाता, जल्दी बंद नहीं होता। इस छेद से ऑक्सीजन जमीन को मिलती तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और ये केचवा नीचे के खनिजों को खा करके मिट्टी के पेट से निकालकर विष्ठा रूप में जो पौधे की जड़ को देता है उसमें सामान्य धरती से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा उसमें फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा उसमें पोटास है। आप विचार करो, जब प्राकृतिक खेती होती है मेरे खेत में, 1 एकड़ में कई कई लाख केचुआ होता है और वो रात दिन जब ये काम करेगा तो कितना खाद किसान के लिए फ्री में पैदा करता है। और मजे की बात, जितने छेद बनाता, इतने छेद बनाता, उनकी गिनती नहीं हो सकती। जब वर्षा होती है, चारों तरफ मेड़ होती है, तो सारा पानी वर्षा का धरती के पेट में चला जाता है। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जिस काम पर हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं केचुआ फ्री में करता। सारी धरती पर यदि ये खेती होगी तो सारा पानी धरती में जाकर धरती का वाटर लेवल अपने आप बढ़ेगा। ये एक आश्चर्य है। इसके साथ इस पद्धति में एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है, सभी किसान भाई समझेंगे, वो है आच्छादन, वो है मल्चिंग। वो क्या है मल्चिंग, जितना भी घास फूस खेत में होता है उसको जलाना नहीं। आज हम प्रदूषण फैला रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, पराली जलाते हैं, अवशेष जलाते हैं, हम एक तिन का भी नहीं जलाते, ना जलाने की सलाह देते। मैं औरों के भी घास को अपने खेत में डलवाता हूं और उसका आच्छादन करता हूं। उसका मतलब क्या है, ये आच्छादन, फसल बो, फसल जमेगी, खाली जगह मत छोड़ो, उसमें ये घास भी जा दो। ये घास क्या काम करेगा कि आकाश में जो जलीय तत्व है उनको ये खींचता है और धरती की नमी को सूखने नहीं देता। 50% पानी की खपत कम हो जाएगी प्राकृतिक खेती में, नंबर एक। नंबर दो, जब 35 डिग्री धरती का तापमान होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में उड़ता है और वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और घास से ढकते हैं तो धरती में रहता तो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। दो, तीसरा इसका काम क्या है कि जो केचुआ वो केवल दिन में काम करता है, ना रात को काम करता केचुआ, दिन में नहीं करता। क्यों, दिन में जब वो काम करते बाहर आता तो पक्षी उठा ले जाता है, उसे अपनी मृत्यु का भय, इसलिए अंदर छुपा रहता दिन में। जब हम मल्चिंग करते हैं, धरती को ढक देते हैं तो अंधेरा मिलता, पक्षी को दिखता नहीं, फिर वो रात दिन काम करता है, दिन में भी काम, रात को भी दाम, बिना पैसे का मजदूर किसान के लिए भगवान ने उसको भेजा, वो डबल काम करता जाएगा। तीसरा काम इसका ये होता है। और जो जीवाणु खेत में है यही मल्चिंग उनका भोजन है
और इसको खाके वो खाद में बदल करके जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और वापसा तैयार करके धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, मैंने इस पे एक पुस्तक भी लिखी है, वो नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और राजभवन गुजरात की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वो निःशुल्क उपलब्ध है। आप कभी भी पूरा विस्तार में उसमें देख सकते हैं। समय अभाव में बहुत लंबी आज मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अंत में मैं निवेदन करता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मेरे को जिम्मेदारी सौंपी हिमाचल प्रदेश में, और मैं जो खेती का अनुभव लेकर के गया, मैंने हिमाचल में देखा सेब पर 15-16 छिड़काव हो रहे हैं, जिसको स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वो जहर हो रहा था। मैं लोगों के खेतों में चला जाता था, किसानों को इकट्ठे करता था और ये अभियान मैंने शुरू किया। मैंने 2 साल में वहां सरकार का सहयोग लेकर के 50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ दिया और उस टीम में डॉक्टर राजेश्वर चंदेल, श्री राकेश कंवर आईएएस अधिकारी हैं। जब मैं भाषण दे रहा था तो वो दोनों खड़े हो गए कि जी इस मिशन को हम पूरा इस प्रदेश में करेंगे। डॉक्टर राजेश्वर चंदेल आए क्या? आप हैं, आप साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी के वर्तमान में साइंटिस्ट हैं और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेरे आने के बाद उस परंपरा को बंद नहीं होने दिया और पूरी टीम जोड़ करके आज 1.5 लाख से ज्यादा किसान बागवान इस समय हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं और वो तेजी से बढ़ रहे हैं। उनकी आय बढ़ गई है, उनकी पानी की खपत कम हो गई है, उनके बेचारों के शरीर खराब हो गए थे छिड़काव से, आज वो खुशियां मना रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में टी विजय कुमार जी बैठे हुए आंध्र प्रदेश से, डॉक्टर साहब वो देखिए आप आंध्र प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। इन्होंने इसी प्राकृतिक खेती के द्वारा 5 लाख किसान आंध्र प्रदेश में जोड़े। ये जहां पानी नहीं है वहां भी 3-3 फसल इस प्राकृतिक पद्धति से लेते हैं। आप इनके मॉडल को देखेंगे आश्चर्य होगा। हम जानते थे इस पर प्रश्न चिन्ह उड़ेंगे, हमने साइंटिस्टों को साथ में जोड़ा है, आपके बीच के लोगों को जोड़ा है, इन पे पूरे के पूरे रिसर्च पेपर तैयार हैं। आप चाहें तो संपर्क में आकर इसको ले सकते हैं। भाई और बहनों, गुजरात की बात, कोरोना आ गया इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमारा कृषि विभाग ने मिलकर हमने 2 लाख किसान गुजरात में जोड़ दिए। 2 लाख देसी गाय किसान के खूंटे पे जा चुकी हैं और डांग जिला को भारत का पहला प्राकृतिक जिला घोषित करने का सौभाग्य गुजरात को मिला है। आज मुझे परम संतोष है। आज का दिन मैं समझता हूं किसान के भाग्य को बदलेगा, किसान के भाग्य को नहीं अपितु इस देश के लोगों की जीवन को बदलने वाला होगा। आज ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी चुनौती है, उससे निजात पाएंगे। जल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, बोतल लिए घूमते 20 साल पहले कहीं भी पी लेते थे, उससे मुक्ति मिलने वाली है। देसी गाय जो केवल पूजा के लिए चित्रों में आ गई थी, आज वो घर घर बंधने के लिए सम्मान के स्थान पर पहुंच रही है। भाई और बहनों, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, किसान की लागत इसमें है ही नहीं। और मैं निवेदन अंत में करूंगा, इस प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये जो फैक्ट्रियां और ये विस्तार चल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान को बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं है, कारण गाय उसके घर में है, खेत में गुड़ बनता है, खेत में दाल पैदा होती है, मिट्टी और इसमें लगता ही कुछ नहीं। ये पूरी ईमानदारी से यदि आपने गड़बड़ कर दी कि क्या फर्क पड़ता, भैंस का गोबर ले लो देसी गाय की जगह, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन गाय का ले लो, नहीं मिलेगा। केवल और केवल देसी गाय में ये गुणवत्ता है, अन्य किसी प्राणी में नहीं मिली। इसलिए देसी गाय
आज जो सड़कों पे घूम रही हैं, उनका हमने गोबर टेस्ट कराया। घर में बंधी में तो 300 करोड़ जीवाणु पाए, और ये जो धक्के खाती फिरती इसमें 500 करोड़ जीवाणु मिले, क्योंकि उसकी ताकत जो दूध बनाने में लगती वो उससे हटके जीवाणु बनाने में लग गई। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सूंठास्त्र, हम ये चीज बनाते हैं जो मेरी पुस्तक में समय अभाव में मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना अंत में कहता हूं कि मेरे अपने खेत में अब कोई बीमारी नहीं लगती, उत्पादन मेरा बढ़ता जा रहा है। इस साल पड़ोसियों का धान 12-14 हजार खर्च करके रासायनिक में 28 से 30 क्विंटल मैक्सिमम उन्होंने लिया और मैंने 33 क्विंटल एवरेज लिया। मेरा खर्चा 1000 रुपए एकड़ हुआ और रासायनिक वाले का 12 से 14 हजार रुपए हुआ। और ये एक फसल में नहीं, सभी फसलों में ऐसा है। मेरी जमीन की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई है कि इन्हीं डॉक्टर अपने राजेश्वर चंदेल, डॉक्टर बलजीत सारन, इनकी टीम आई और उन्होंने पड़ोसी रासायनिक खेती वालों की मिट्टी ली, 5 किसानों की, उसको इकट्ठा किया, लैब में लेके गए, कितने जीवाणु पाए, 31 लाख 1 ग्राम मिट्टी में। फिर मेरे खेत की मिट्टी इन लोगों ने ली, 5 जगह से ली, मिलाई, लैब में चेक किया, मेरी 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ जीवाणु मिले। अब बताओ पैदावार ये देगी या वो देगी? इसलिए मैं आह्वान करता हूं भारत के किसानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक महान निर्णय जो हम सब के कल्याण के लिए लिया है, आप आगे बढ़ें। आज इस प्राकृतिक कृषि का सृजन करते हुए किसान आत्मनिर्भर बने, मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक जबरदस्त क्रांति इससे आएगी। और हमने हजारों हजार किसानों को ट्रेनर बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में आज 1000 किसान राजेश्वर चंदेल जी ने तैयार कर दिए, जो गांव गांव में जाकर के ट्रेनिंग देंगे। हिमाचल प्रदेश में महात्मा जी बैठे सामने, प्रफुल्ल भाई जी, साथ में इनकी पूरी टीम, और कैवल्य स्वामी जी, दीक्षित पटेल जी, ऐसे हजारों हजारों ट्रेनर तैयार कर दिए। हम पूरे देश में फैलकर प्रधानमंत्री जी का नारा, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए इस मिशन को एक जन आंदोलन बना करके भारत की इस माटी को, जो हमारी माँ है, इसको जहर मुक्त करेंगे। धन्यवाद।